अब बात पश्चिम बंगाल बंद की। दरअसल पिछले हफ्ते दिनाजपुर में पुलिस के साथ झड़प में दो छात्रों की मौत हो गई थी, उसी के विरोध में आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया जिसके दौरान हुई जमकर हिंसा। बंद के दौरान बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से भिड़ंत हो गई। तस्वीरें उत्तरी मिनाजपुर के इस्लामनगर की, जहां पुलिस को गिरफ्तारी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। बंद की शुरुआत भी बीजेपी ने उत्तरी दिनाजपुर के इस्लामनगर से ही, क्योंकि दोनों छात्रों की मौत यहीं पर हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां भी बसों में तोड़फोड़ की और सड़क पर टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया। सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता दुकानों को बंद कराते रहे। दरअसल इस बंद के दौरान बंगाल पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक खींचतानी देखने को मिली। पहले बस में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया और चंद मिनटों के अंदर बस धू धू कर चलने लगी। बस से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठने लगा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर की। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद के दौरान इस बस को आग के हवाले कर दिया था। तो वहीं राजधानी कोलकाता में भी लोगों की भीड़ के बीच एक बस को आग लगा दी जाती है। पुलिस के मना करने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते रहे और बस पर तब तक हमला किया गया जब तक बस वहां से चली नहीं गई। देखिए, हो ये रहा है कि बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में अपने पांव पसारना चाहती है। बंगाल मोदी और ममता के बीच का एक तरीके से सियासी कुरुक्षेत्र बन चुका है और शायद यही वजह कि अपने काडर की शक्ति दिखाने की कोशिश बीजेपी बंगाल में करती नजर आई। बंद के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर भी निकले। कार्यकर्ताओं के साथ मार्च के दौरान पुलिस भी उनके साथ चलती रही, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस को गच्चा देने में कामयाब रहे और कोलकाता में ही एक बस के फ्यूल टैंक में आग लगा दी, उसमें तोड़फोड़ भी की। बसों को रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता उसमें चढ़ भी गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जबरन उतारा। कई जगह कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ते नजर आए, हालांकि पुलिस बंद के दौरान ड्रोन से भी निगरानी करती रही। वैसे इस बंद का खासा असर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा में देखने को मिला और यहां तो बीजेपी कार्यकर्ता लोकल ट्रेन के आगे जमा हो गए और ट्रेन को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ने ही नहीं दिए। बंद का असर पूरे हावड़ा शहर पर देखने को मिला। यहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बसों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद सड़कों पर इक्का दुक्का बसें ही नजर आईं, लेकिन डर के मारे बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर निकले, जिसकी वजह से हावड़ा स्टेशन के यात्रियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। 12 घंटे के बंद के दौरान हावड़ा की ज्यादातर दुकानें बंद रही, हालांकि एहतियात पहले ही काफी फोर्स तैनात कर दी गई। एक दिलचस्प जानकारी आपको दे दें कि कोलकाता बीजेपी की जो एक टीम है वो फिलहाल गुजरात गई हुई है, ये सीखने के लिए कि कैसे लगातार चुनाव जीते जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में हिंसक बंद का बीजेपी की तरफ से आयोजन किया जाता है। नॉर्थ 24 परगना के बारासात, सिलीगुड़ी, कूच बिहार और नॉर्थ बैरकपुर के ईचापुर में भी बंद का असर देखने को मिला। कहीं ट्रेन रोकने की कोशिश हुई, कहीं बस में तोड़फोड़ की गई। बंद पूरा कामयाब है। लोग बंद के खिलाफ एक भी आदमी नहीं, केवल सरकार और उनके गुंडा छोड़ करके बस चला रहे हैं सरकार, कोई पैसेंजर नहीं है। कलकत्ता एकदम फोर्थ फिफ्थ गियर में चल रहा है। गो अराउंड द स्टेट, गो अराउंड द सिटी, टेक द पिक्चर्स, दिस इज अ जोक, दिस इज नॉट अ बंद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।